हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित। तो आज की इस न्यू वीडियो में गाइस बताने वाला हूँ क्या पेटीएम में जो पेटीएम बैंड होने वाला है, जो पेटीएम में क्या क्या ऑप्शन बंद होने वाला है, क्या क्या ऑप्शन बैंड होने वाला है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइस। तो गाइस जैसे यहाँ पे मैंने पेटीएम ओपन कर लिया, यहाँ पे पेटीएम ओपन किया तो आपको यहाँ पे सारी दिक्कत होगी, क्या पेटीएम से कौन सा क्या लिंक होगा, पेटीएम ऐप जो चलेगी नहीं चलेगी, पेटीएम ऐप में कौन सी बैंक चलेगी, कौन सी बैंक बैंड होगी, कौन सा। तो गाइस देखिए यहाँ पे पेटीएम वॉलेट जो ऑप्शन है, पेटीएम वॉलेट, तो जैसे ही पेटीएम वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पेटीएम पेमेंट एरर आ चुके हैं गाइस। तो पेटीएम वॉलेट पूरी तरह से बैन हो चुका है, पेटीएम वॉलेट भी बंद हो जाएगा। तो इसमें आपको पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है, पैसा नहीं रखना है, इसमें जो भी पैसा आपका है वो निकाल लेना है, नहीं तो आपका पैसा भी फंस सकता है गाइस। हाँ गाइस, आपने सही सुना है, पेटीएम वॉलेट भी पूरी तरह से बैन होने वाला है। तो गाइस देखिए यहाँ पे सिंपली आपको करना है कि आपको सिंपल बैग आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे जो फास्ट टैग दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, फास्ट टैग, तो वो ऑप्शन भी बैंड होने वाला है गाइस। देखिए फास्ट टैग वाला ऑप्शन भी बंद होने वाला है, बैंड होने वाला है, तो उसको भी आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, वो भी बैंड हो जाएगा। इसके बाद जो पेटीएम ऐप है, जो गाइस पेटीएम ऐप में अभी चला रहा हूँ, इसमें जो पेटीएम बैंक अकाउंट है, देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जो आपका पेटीएम सेविंग अकाउंट है, पेटीएम पेमेंट बैंक, वो भी पूरी तरह से बैंड होने वाला है गाइस। देखिए इसको भी एरो आ चुका है गाइस, तो वो भी बैंड होने वाला है गाइस। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक या पे वॉलेट और फास्टैग का तीनों ऑप्शन होने वाले हैं बैंक, पूरा पेटीएम ऐप नहीं बैन होने वाला है, पेटीएम चलने वाला है। लेकिन पेटीएम में आपको क्या करना है, जो बैंक है, जो यूपीआई बैंक, वो आपको चेंज कर लेनी है और दूसरी बैंक आपको सिलेक्ट कर लेनी, पेटीएम पेमेंट बैंक हटा लेनी है गाइस, मतलब चेंज कर लेनी है। तो आप पेटीएम ऐप आसानी से चलाएंगे, पेटीएम ऐप के कोई वो नहीं है, मतलब ऐसे आपको सिंपली क्या करना है गाइस, देखिए पेटीएम आपको पेटीएम पेमेंट हटा लेनी है, इसके बाद पेटीएम आसानी से चला सकते हो। इसके बाद गाइस आपको पता चल गया होगा कि आप पेटीएम में क्या क्या बैन होने वाला है, क्या क्या ऑप्शन नहीं आने वाला है गाइस, तो आपको पता चल गया होगा गाइस, तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।